वर्तिका हेलो, वर्तिका हेलो हेलो। बोले। हाँ हाँ, वर्तिका देख रही है और हंस रही है, बोल रही मैं भी ब्लॉग में आ रही हूँ। सो अब चलते हैं आराम से, मौसम अभी ठंडा है और तैयार। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ सुबह के 9 बजे से। आज काफ़ी ठंडा है तो नाश्ता हो गया है, तो नाश्ता करके अब देखते हैं। और सब बैठ गए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। सुबह सब बैठे हुए हैं आराम से सुबह के। ये वर्तिका बैठी हुई है, अब वर्तिका को ले जाना है हॉस्पिटल, आज लगेगा टीका। तो ऐसा मैडम का फ़ोन आया था कि आज टीका लगने की डेट है, तो आज वर्तिका को ले जाते हैं हॉस्पिटल और लगवाते हैं टीका। और ठंडे भी बहुत हो रखा है, तो वर्तिका को पूरा एकदम पैक करके ले जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं हॉस्पिटल की ओर। अभी अम्मा के साथ बैठी हुई है, नाच गाना कर रही है वर्तिका। ये देखो वर्तिका हेलो, वर्तिका हेलो बोले। हाँ हाँ वर्तिका देख रही है और हंस रही है, बोल रही मैं भी ब्लॉग में आ रही हूँ। चलो अब चलते हैं आराम से, मौसम अभी ठंडा है और तैयार करते हैं वर्तिका को टीका लगवाने हॉस्पिटल। मैं और वट्टू और वट्टू का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कितना मिलता है। मिल गया टुक टुक, डॉक्टर हॉस्पिटल। और हम मोटर को टीका लगाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेरी गोद में है, हॉस्पिटल जाएंगे टीका लगाएंगे इसको और बहुत दिनों पहुँचने वाले हैं। वर्तू को टीका लग चुका है और हम टीका लगा के हॉस्पिटल से वापस घर को जा रहे हैं। वर्तू को टीका लग गया, ये हमारी वर्तू को टीका लग गया, सोई है, टीका लग गया। अब जाते हैं वापस, करते हैं टुक टुक का इंतज़ार रोड में, और अब जा रहे हैं बाजार से घर को, बैठ गया टुक टुक में। कैसा लगा घर को बच्चों के साथ? शाम के बज चुके हैं 5:30 और बाहर अभी भी कोहरा है। देखते हैं बाहर मौसम कैसा हो रहा है, चलते हैं बाहर की ओर, फिर देखते हैं मौसम कैसा हो रहा है बाहर को। और बाहर का मौसम काफ़ी कोहरा है अभी भी, देखो काफ़ी कोहरा कोहरा हो रखा है बाहर, अभी भी बहुत कोहरा हो रखा है, देखो हर जगह कोहरा ही कोहरा। हाँ मौसम खुला नहीं है अभी भी, काफ़ी कोहरा ही कोहरा हो रहा है, तो बहुत कोहरा। ये सामने स्कूल भी दिख रहा है, अभी तो 5:30 बज चुके हैं, सब कुछ बंद हो चुका है। और बाहर से देखो सब्जियां, ये हमने कुछ हरी सब्जियां लगा रखी है घर के आंगन में, देखते हो कैसे दिखती हैं हरी सब्जियां। ये कुछ हरी सब्जियां लगा रखी हैं, ये मटर हो रखे हैं, लहसुन लगा रखा है, और हरी सब्जी लगा रखी है, पालक लगा रखा है वहाँ, फिर मटर है, पालक है, ये है तुम्हारा मेथी लगा रखी है, और वो सामने दिख रहा है प्याज, प्याज भी लगाने की वो है प्रोसेस। और एक इधर साइड भी लगा रखा है हमने, ये पालक लगा रखा है बहुत सा, ये लगा रखा है पालक, ये हरी सब्जी मूली वगैरह, और ये इसमें लगाएंगे हम बाद में प्याज। तो हरी सब्जी जितनी भी होती है तो हम घर ही में बना लेते हैं अपने खाने के लिए। आजकल हरी सब्जी वगैरह खाने में क्या मिल रही है, पालक, कोई भी सब्जी बने उसके साथ पालक ज़रूर बन रहा है, क्योंकि आजकल पालक बहुत हो रहा है, पालक हो गया। अब कुछ टाइम में यहाँ मटर भी होने वाले हैं, तो फिर मटर ही मटर मिलेगा। और मम्मी ने पूरे खेत को चारों तरफ से कवर कर रखा है, देखो कैसे बाड़ लगा दिए, चारों तरफ से कवर कर रखा है कि कोई घुस ना करके, क्योंकि वैसे में कभी कोई गाय आती है तो खा जाती है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं मम्मी ने। और सब्जी लगा रखी है,
ये हरी सब्जी हमारी पूरी हो जाती है। हरी सब्जी हम बाहर से नहीं लाते हैं, आजकल तो कुछ टाइम में लहसुन भी हो जाएगा, लहसुन भी हम घर ही का यूज करते हैं, बाहर से मार्केट से लाते नहीं, क्योंकि इतना लहसुन हमारा हो जाता है, बहुत है एक उसमें लहसुन। बहुत ठंड हो रही है आज, ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही है, कोहरा भी तो है बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है आज, मौसम खुला नहीं है सुबह से, ठंड काफ़ी हो रही है। और चलते हैं अंदर की ओर, कैसा हो रहा है, हमारी वर्तिका क्या कर रही है देखते हैं। वर्तिका अभी सोई है कि उठी है देखते हैं। ये रही वर्तिका, वर्तिका अपने अम्मा के साथ बैठी हुई है, टीवी देख रही है वर्तिका, ये वर्तिका देख रही है कौन बनेगा करोड़पति। ओ वर्तिका हेलो, वर्तिका हेलो। इसी के साथ तो हमने ब्लॉग को एंड करता हूँ, अब रात के 9 बज चुके हैं, ब्लॉग को एडिट करना है फिर अपलोड करना है, तो हाँ बहुत टाइम लगने वाला है, तो सोने से पहले ब्लॉग अपलोड करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग पे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाय।